सो द थिंग इज़ यार सही बताऊँ तो लॉकडाउन चल रहा था, चल रहा है एक्चुअली, और मैंने सोचा इस बीच में ट्रैवल तो कर नहीं रहा हूँ, तो मैंने अपनी एरियल वीडियोस को एक बार और रिव्यू किया और मैंने सोचा है कि एक ऐसा कंपाइलेशन बनाया जाए एरियल वीडियोस का जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। कुछ वीडियोस काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे मैंने ली हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस जो वेदर कंडीशंस हैं कि मतलब उसमें लेना पॉसिबल ही नहीं था, और कुछ ऐसी जो कि एकदम से ऐसा व्यू आ जाता है कि आई मीन आप कहते हैं कि वाओ दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो कुछ इस तरीके की वीडियोस मैंने इस कंपाइलेशन में डाली हैं, और हर एक वीडियो को मैंने एक टाइटल दिया है और उसके पीछे की स्टोरी जो है छोटी सी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, एंड या लेट्स बिगिन। जो पहली वीडियो आप देख रहे हैं वो है नैनीताल की, जो मैंने नैनीताल में ली थी चीना पीक से। तो उस दिन सीन क्या था कि नैनीताल में जब हम टॉप पे पहुँचे मैं और हर्षित, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। मेरे कहने सही बताऊँ तो जो रिमोट कंट्रोलर के जॉयस्टिक थे वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे उससे ड्रोन, बट स्टिल मैंने वो शॉट लिया। अगर आप नोटिस करें तो ड्रोन किस तरीके से एकदम ऐसे फॉग में से होता हुआ जाता है और अचानक से आपको सीधे नैनीताल रिवील होता हुआ दिखाई देता है। तो ये वाला जो शॉट था, दिस वॉज समथिंग डिफरेंट, एंड फॉर मी इट वॉज़ एक्सट्रीम। उतने टॉप पे उड़ाना इतने हार्श इन्वायरमेंट में जबकि मौसम इतना ठंडा होता है और बैटरी ड्रोन की बहुत कम हो जाती है, बट स्टिल इट वॉज़ अमेजिंग। अगली जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो है धानाचुली की, जब धानाचुली में स्नोफॉल हुआ था, ये तब की वीडियो है। तो सीन ऐसा था कि इस दिन भी बहुत ज़्यादा ठंड थी, मैं और चैमी, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है चैमी एक्चुअली गोविंद, हम दोनों सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेके धानाचुली पहुँच गए थे और वहाँ पे हमने एरियल शॉट्स लिए। और जो आप शॉट अभी देख रहे हैं उसमें एक्चुअली ड्रोन मैंने बहुत दूर भेजा था रोड से। तो एक्चुअली इसमें सीन ये ऐसा भी था कि ड्रोन की बैटरी जो ठंड होती है ना जब, तो बहुत जल्दी जल्दी जाती है, तो स्टिल मैंने ये शॉट लिया। और मतलब ये शॉट भी काफ़ी एक्सट्रीम था, इतने ठंड में इतना रिस्क लेकर ड्रोन को उतनी दूर भेजना, मतलब एकदम खाई में भेजा था मैंने, रोड से ऊपर की तरफ से फिर वापस नीचे उधर पीछे खाई में जहाँ ड्रोन दिख भी नहीं रहा था, बट स्टिल इट वॉज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। इट वॉज़ अ होल डिफरेंट लेवल ऑफ ड्रोनिंग आई वुड से। ये वाला जो एरियल शॉट है इसमें मैंने ड्रोन को 7 ताल से और बहुत ही दूर भेजा था। सही बताऊँ तो ऐसा लग रहा था मानो जो मेरा ड्रोन है वो जोलीकोट के जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको सामने वो टच करके आ गया हो। ये टोटल जो वीडियो का ड्यूरेशन था इस शॉट का केवल वो अराउंड 4 मिनट और 18 सेकेंड था, बट इसको मैंने स्पीड अप किया और ये बहुत छोटी वीडियो हो गई अभी मैंने स्पीड अप करा दो। तो ये वाला जो मोमेंट था सही बताऊँ तो वो बहुत ही एक्सट्रीम था, ड्रोन को इतनी डिस्टेंस तक भेजना। और क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसे होती हैं हमें लगता है ड्रोन की बैटरी बहुत कम है, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप जितने डिस्टेंस भेज रहे हैं आपको याद रखना होता है कि ड्रोन जितनी बैटरी खर्च कर रहा है डिस्टेंस जाने में उतनी बैटरी वापस आने में भी लगाएगा। तो इट वॉज़ ऑल्सो समथिंग डिफरेंट, समथिंग एक्सट्रीम मैन। ये वाली जो आप वीडियो देख रहे हैं क्लाउड इन्वर्जन की, जब मैंने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में, नहीं ज़िंदगी में तो नहीं, बट जब मेरे पास ड्रोन था तब मैंने ये फर्स्ट टाइम क्लाउड इन्वर्जन विटनेस किया था। और ये जो मोमेंट था, इट वाज अमेजिंग। ड्रोन को काफ़ी आगे तक भेजा मैंने और ये मोमेंट रिकॉर्ड किया, और उस मोमेंट पे जो क्या बोलते हैं एक फीलिंग होती है ना जो कि कहते हैं हम वाह, वही वाली फीलिंग थी। इट वॉज़ अमेजिंग। इस वीडियो में मैंने नोटिस किया एक दिन जब मैं मेहरागांव से नीचे 7 ताल की तरफ आ रहा था, मैंने नोटिस किया बादल हैं ऊपर। तो जैसे ही मैं रूम पे पहुंचा मैंने ड्रोन निकाला और सीधे बादलों से ऊपर भेज दिया, जो धुंध थी जो फॉग थी उससे ऊपर। और जो नज़ारा था जब मैंने अपने मोबाइल में पहली बार व्यू देखा था, आई वॉज़ अमेज्ड कि यार क्या नज़ारा है। इट वॉज़ अमेजिंग, एंड इट वॉज़ जो कहते हैं ना कि यार क्या नज़ारा मिला, क्या शॉट मिला है, ये वही वाला मोमेंट था मेरे लिए। इस वाली वीडियो में मैंने ड्रोन को सीधे 7 ताल से उड़ाते हुए उड़ाते हुए उड़ाते हुए पहाड़ क्रॉस करा के भीमताल की तरफ भेजा। अगर आप नोटिस करें इस वीडियो को, अगर मैं स्पीड अप करूं तो आप नोटिस करेंगे कि ड्रोन धीरे धीरे जा रहा है ऐसे पहाड़ को, जैसी ड्रोन क्रॉस करता है आपको सीधे नीचे, आपको वैली की तरफ, आपको भीमताल
आप देखेंगे, आप विटनेस करेंगे कि भीमताल है और पीछे की तरफ उसके उधर सामने पहाड़ हैं, और उसी से आप थोड़ा ऊपर देखेंगे तो आपको मून नज़र आएगा। आई मीन जो ये कॉम्बिनेशन था, माउंटेंस, लेक, फिर माउंटेंस और फिर जो ऊपर मून है, आई मीन इट वॉज़ अमेजिंग। मैंने भीमताल का ऐसा पर्सपेक्टिव खुद पहली बार देखा था। ड्रोन को उड़ाना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तब होता है जब मौसम ख़राब होता है। तो जब मैंने टिफ़िन टॉप का ब्लॉग बनाया था, आप लोगों ने वो देखा होगा उम्मीद है, तब क्या हुआ था कि मैंने टिफ़िन टॉप से सीधे जो ड्रोन था वो अराउंड मतलब कैमल्स पैक के आसपास भेज ही दिया था, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट भेज दिया था। आई मीन इट वॉज़ एक्सट्रीम क्योंकि मौसम भी ख़राब था, पता नहीं था कि कब बारिश हो जाएगी, बट स्टिल मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और जो शॉट था ये लिया। और सही बताऊँ तो ये शॉट मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है अभी भी, जब भी मैं देखता हूँ इसे वापस खोल कर, एंड या दिस इज़ अमेजिंग। इस वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा होगा, इसका टाइटल है मैंने रखा है रेड माउंटेन्स। तो एक्चुअली ये जो वीडियो है वो है कैमल्स बैक की, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कैमल्स बैक पे ड्रोन उड़ाया था, और जैसे ही मैंने ड्रोन को फार अवे मतलब बहुत दूर भेजा सनसेट आवर के टाइम पर, तो आई मीन जो कलर आ रहा था कैमल्स बैक पे वो काफ़ी अमेजिंग लगा मेरे को। और मैंने ये चीज़ पहली बार विटनेस की कि कैमल्स बैक इतना अच्छा लगता है। अगर आप ध्यान से देखें, कैमल्स बैक आपको फोरग्राउंड में दिखता है और पीछे बैकग्राउंड में आपको नैनी झील दिखाई देती है, जो ये कॉम्बिनेशन था, आई मीन इट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। कई बार मैंने कोशिश की, ट्राई किया कि मैं जो ड्रोन है उसको बहुत ही नीचे लेवल से उड़ाऊं, जैसे नदी होगी। तो अभी शॉट में नोटिस करेंगे कि जो मैंने ड्रोन था उसको काफ़ी नीचे से उड़ाया था, और इस टाइम मैंने सही बताऊं तो ऑब्स्टेकल सेंसर जो थे ड्रोन में वो सारे ऑफ कर दिए थे, और ये शॉट लेना काफ़ी टफ काम था। इसमें मैंने कितना 3-4-5-6 बार मतलब ये शॉट लेने की प्रैक्टिस करी वहाँ पे, तब जाके ये शॉट आया इन दी एंड, एंड इट वाज अमेजिंग। बस ये उम्मीद थी मेरे को जो ऊपर ब्रिज पे अगर आपको अंकल दिखाई दे शॉट के एंड पे वो दिखाई ना देते तो ये शॉट और अच्छा होता। अगला शॉट जो आप देख रहे हैं वो है खुरपाताल का। ये शॉट मैंने लिया था खुरपाताल व्यू पॉइंट से। तो इस दिन सीन क्या था कि यार सही बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, और सही बताऊँ तो जब अगर आपने ड्रोन उड़ाया तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जब भी आप वैली की तरफ ड्रोन उड़ाते हैं तो क्योंकि वैली में नीचे गर्म हवा होती है, ऊपर पहाड़ों की ठंडी हवा, वो जब मिक्सअप होती है ना तो काफ़ी एक ख़तरनाक सा कॉम्बिनेशन बनता है, जिसमें ड्रोन मतलब एकदम ही क्या कहूँ तो अनस्टेबल हो जाता है, और यही वो मोमेंट था। तो अगर आप इस शॉट में नोटिस करें तो ड्रोन धीरे धीरे जा रहा है, और अगर मैं इसे स्पीड अप मैंने इस शॉट को जब करा तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो शॉट है वो काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं स्टेबलाइज नहीं है ये शॉट। तो यही वो सीन था इस दिन, मतलब मैंने रिस्क लिया, स्टिल मैंने सोचा कि ये शॉट मैं ले पाऊँ, तो मैंने ड्रोन को बहुत तेज़ हवा में भी उड़ाया और ये शॉट मिला, जो कि मतलब काफ़ी क्या बोलते हैं सेटिस्फाइंग था मेरे लिए पर्सनली। अगला शॉट जो आप देख रहे हैं वो है नानक मत्ता का। तो अगर आप दिन के टाइम पे नानक मत्ता गए होंगे तो आपने नोटिस किया हो कि वहाँ पे धुंध जैसी लग जाती है, तो आप कभी नानक मत्ता का पूरा पर्सपेक्टिव पूरा उसको नहीं देख पाते। जो ये वाला शॉट है वो नानक मत्ता का है, जो मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग में लिया था। तो आई मीन जब मैंने इतना बड़ा नानक मत्ता सागर जो ये है इसको देखा, आई वॉज़ अमेज। मैंने सोचा कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा है, जब मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आया था तब तो यहाँ बहुत ज़्यादा धुंध थी, तब ये बहुत छोटा लग रहा था, बट जब मैंने मॉर्निंग में इसे देखा, आई मीन इट वॉज़ अमेजिंग, इट इज़ अमेजिंग एक्चुअली। कई बार आप शॉट लेने के लिए एक्सट्रीम लेवल पर जो जाते हैं ना, ये वही वाला मोमेंट था मेरे लिए इस वीडियो में। इस वीडियो में मुझे नौकुचियाताल का एक रिवीलिंग शॉट चाहिए था, तो मैं ड्रोन को बहुत पीछे ले गया एक्चुअली जंगलिया गांव की तरफ को, बट वहाँ पे एक दिक्कत थी, जंगलिया गांव में 3 टावर थे बड़े बड़े से, जिसकी वजह से जो सिग्नल थे वो ब्लॉक हो रहे थे, बट स्टिल मैं ड्रोन को बहुत पीछे ले गया। और जो ये शॉट था माउंटेन के पीछे से ऐसे ड्रोन आता है और नौकुचियाताल ऐसे रिवील होता हुआ आगे ड्रोन बढ़ता जाता है, आई मीन इट वॉज़ अमेजिंग। आप अगर ये शॉट देखें ना, सही बताऊँ तो ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट मेरा शॉट है, इट इज़ अमेजिंग। साताल की एक खासियत है, जब भी यहाँ से सनसेट दिखाई देता है ना वो हमेशा ही अमेजिंग होता है। तो ये वाला जो आप शॉट देख रहे हैं इसमें अगर आप नोटिस करें जो क्लाउड फॉर्मेशन है, आई मीन एक अलग ही टाइप का जो क्लाउड फॉर्मेशन कहते हैं ना, जो दिल को सुकून देने वाला होता है, दिल को अच्छा लगने वाला होता है, ये वही वाला क्लाउड फॉर्मेशन है। तो इस दिन मैंने ड्रोन उड़ाया और मैंने कहा ये रिकॉर्ड कर लेते हैं रैंडम, तो ये शॉट मतलब काफ़ी अच्छा है, ये मेरे को पसंद आया, तो मैंने ये भी इस कंपाइलेशन में डाला। अगला शॉट जो आप देख रहे हैं नौकुचियाताल का। तो इस
शॉट की खास बात ये थी कि पहली बात तो ये आप नोटिस करें कि ये काफ़ी हाइट से, काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड से लिया गया है। तो इस दिन क्या हुआ था सीन कि ड्रोन की बैटरी एक्चुअली कई बार गलत इंडिकेशन दे देती है, ये मैंने नोटिस किया उस दिन। सीन ऐसा हुआ कि ड्रोन की बैटरी, वो दिखा रहा था मेरा ड्रोन 50% उड़ाते टाइम जब ये नौकुचताल पे था, और अचानक से बैटरी लो लैंडिंग का मेरे उसमें इंडिकेशन आया। तो मैं सही बताऊँ तो डर सा गया था, यही मैं कह सकता हूँ। तो हुआ क्या कि सीन, मैंने मैनुअली ड्रोन को बुलाया और लैंड कराया। अगर आप देखें इस शॉट को, मैं स्पीड अप करूँ और उसके बाद आपको एक शॉट और दिखाता हूँ कि मतलब मैं दौड़ता हुआ आता हूँ इस शॉट में, अगर आप नोटिस करेंगे, और उसके बाद ड्रोन लैंड हो जाता है। तो ये जो मोमेंट था काफ़ी डरा देने वाला था, क्योंकि अगर ड्रोन कहीं और लैंड हो जाता, यू डोंट नो क्या बोलते हैं ड्रोन के साथ आगे क्या होगा, क्या पता किसको मिल जाए, कौन इसे तोड़ दे, फेंक दे, क्या कर दे, कोई लौटाए ना लौटाए, किसको पता कहाँ लौटाए, यही वाला सीन था। तो ये मोमेंट भी मतलब काफ़ी क्या कहते हैं डरावना जैसा था। कई बार कुछ शॉट हम ऐसे ले लेते हैं जो कि हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये शॉट उनमें से एक है। ये शॉट एक्चुअली मैंने एक प्री वेडिंग में लिया था किसी के लिए। तो अगर आप नोटिस करें तो जिस तरीके से कपल्स और जो हमारे नाव चलाने वाले हैं वो बोट में बैठे हैं, और उनके आसपास जब बतखें आ जाती हैं एकदम से, और बतखें भी उनके चारों ओर घूमने लगती हैं, वो चारा खिला रहे हैं, उन्हें ब्रेड खिला रहे हैं, और ड्रोन धीरे धीरे रोटेट होते हुए ऊपर हाइट गेन करता है। दिस शॉट इज़ जस्ट अमेजिंग। जब मैंने शॉट देखा तो पर्सनली मुझे लगा कि यार हम कितने छोटे हैं। अगर आप नोटिस करें लेक भी, लेक में ये जो बोट है वो कितनी छोटी लग रही है जैसे जैसे ड्रोन हाइट पे जाता है। जब मैं एक बार ऋषिकेश गया था तो मैंने सोचा एक एरियल वीडियो ऋषिकेश की बनाऊँगा मैं, बट वहाँ पर चीज़ें उस मुताबिक नहीं हुई कि मैं उस वीडियो को बनाता और अपलोड करता यूट्यूब पे। सीन ऐसा हुआ कि अगर आप नोटिस करें तो मैं जो लक्ष्मण झूला है ये ब्रिज से यहाँ ऋषिकेश से मैं ड्रोन उड़ाता हूँ, और यहाँ पे सीन ऐसा हुआ कि मुझे पता नहीं सिग्नल अचानक से कैसे लॉस्ट हो गया। जैसे ही ड्रोन थोड़ा आगे गया, अराउंड 100 meters और समथिंग, एकदम से सिग्नल लॉस्ट हो गया और स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा था। पूरी स्क्रीन जो थी ब्लैक एंड वाइट थी, हम ब्रिज पर खड़े थे। तो मेरे ख्याल से जो ब्रिज का जो मटेरियल आई गेस जिससे ब्रिज बना था, जो भी है वो कॉपर आयरन व्हाटएवर दैट इज़, तो उसकी वजह से मे भी सिग्नल ब्लॉक हो रहे थे। तो हम धीरे धीरे करते हुए मैं और गोविंद भाई नीचे की तरफ आए, और हमने ड्रोन को किसी तरीके से लोकेट किया। एक्चुअली होता क्या है कि ड्रोन में मैंने जो होम पॉइंट वाला सिस्टम है उसमें मैंने सेट किया था कि ड्रोन अगर सिग्नल लॉस्ट हो जाता है तो पहले 150 meters हाइट पर जाएगा, फिर अपनी सीध में आएगा और फिर लैंड करेगा। तो ड्रोन ने ऐसा ही किया, बट ड्रोन ने लैंड नहीं किया। ड्रोन जो था वो ब्रिज के ऊपर हवर करता रहा। फिर उसके बाद मैंने मैन्युअली ड्रोन को अपनी तरफ बुलाया जहाँ पे सिग्नल आए, और फिर वापस मैन्युअली लैंड कराया। और ये जो मोमेंट था ना, इट वाज टेरिफाइंग, या यही कह सकता हूँ मैं। धानाचुली से जब मैंने हिमालयास को विटनेस किया, वो जो मोमेंट था वो काफ़ी अमेजिंग था। उसके बारे में और कुछ नहीं बोल सकता मैं, बस आप ही शॉट देखिए। जब ये रिवील होता है हिमालय, तो ऐसा लगता है कि यार कितने जायंट्स हैं ये, कितने बड़े हैं ये पहाड़। इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये वाला शॉट जो आप देख रहे हैं ये मैंने लिया था रामगढ़ में। अगर आप इस शॉट को ध्यान से देखें तो आप स्टार्टिंग में नोटिस करेंगे कि एकदम से धूप जाती है, और जैसे ही ड्रोन वापस धीरे धीरे आगे बढ़ता है धूप वापस से आती है। जो ये वाला मोमेंट था, ये जो मैंने कैप्चर किया, ये अभी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि यार मतलब जैसे ही ड्रोन जा रहा था वैसी एक सिनेमेटिक फीलिंग देते हुए धूप जाती है और वापस आती है, एंड या इट इज़ अमेजिंग। बिरती फॉल में ड्रोन उड़ाना और ड्रोन से जो ये बिरती फॉल का पर्सपेक्टिव है इसको विटनेस करना एक अलग ही फीलिंग थी। जब मैंने ड्रोन उड़ाया बिरती फॉल से और जब मैंने ये चीज़ नोटिस की कि ये जो वाटरफॉल है इतना बड़ा है, वो जो मोमेंट था ना वो अलग ही लेवल वाला था। सही बताऊं तो इट वाज अमेजिंग। खलिया टॉप 0 point से ड्रोन उड़ाना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा मेरे लिए अभी तक का, अगर मैं सही बोलूँ तो, क्योंकि जो खलिया टॉप 0 point पे जो टेम्परेचर था, आई डोंट नो -5, -6, -7 पता नहीं कितना था, बट वो जो भी था माइनस में था, इतना मैं ज़रूर जानता हूँ। क्योंकि मैंने कपड़े पहने थे और मतलब गर्म कपड़े ही पहने थे जिससे गर्मी लगती है वाला सीन था, बट स्टिल वहाँ पे काफ़ी ठंडा था। मैंने रिमोट पकड़ा होता अपने हाथ में, ड्रोन मैंने जैसे ही टेक ऑफ कराया फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे जो मेरे उंगलियाँ थी, जो मेरा थंब थे, दोनों हाथों के अंगूठे
वो जम जैसे गए थे। और मैं सही बताऊँ तो ऐसा लग रहा था मैं पत्थर से, जैसे कि जॉयस्टिक जो था रिमोट कंट्रोलर का वो ऑपरेट कर रहा था, क्योंकि वो जो मोमेंट था ना बहुत ही अलग वाला था वो, सही बोलूँ तो। क्योंकि उस मोमेंट पे लग रहा था कि यार मैं ये ड्रोन से शॉट लूँ कैसे, बट स्टिल मैं कैसे जैसे तैसे वो शॉट ले रहा था। और एक चीज़ और, जब मैं वहाँ ड्रोन उड़ा रहा था तो आगे की तरफ तो मुझे पता था कि मैं शॉट ले लूँगा, अगर ड्रोन क्रैश भी होता है तो मैं लैंड करा लूँगा सेफली, बट पीछे की तरफ जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। और मेरे को डर था अगर पीछे ड्रोन क्रैश हो जाता है इतने ठंड में, क्यों अगर बैटरी अचानक लो हो जाती है तो ड्रोन का क्या होगा, बट स्टिल मैंने शॉट लिया और सब कुछ सही सलामत सही तरीके से हो गया था, जो कि काफ़ी अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। या दिस इज़ द थिंग। कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि बारिश होने से ठीक पहले ही मैंने थोड़ा उड़ा दिया वो ड्रोन, ये वाला मोमेंट भी वैसी था। अगर आप विटनेस करें मौसम कैसे पीछे की तरफ से ब्लैक ब्लैक टाइप का हो रहा है आसमान और बादल लगे हुए हैं थोड़े थोड़े, तो ये वाला मोमेंट भी ऐसी था। मैंने स्टिल ड्रोन को टेक ऑफ करा दिया था और काफ़ी दूर भेज दिया था, और जैसे ही मैंने ड्रोन दूर भेजा तो मैंने नोटिस किया कि हाथों पे जो है बारिश की बूंदें पड़ने लगी थी। और फिर उस मोमेंट पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और मेरे को डर भी लगा, तो मैंने सीधे जो ड्रोन था उसको स्पोर्ट्स मोड पर डालकर वापस घर की तरफ बुलाया, जो कि काफ़ी एक्सट्रीम था, क्योंकि अगर ड्रोन भीग जाता तो सही बताऊँ तो मुझे पता नहीं मैं क्या करता। अगर आप लोग मुक्तेश्वर में चौली की जाली जो जगह है वहाँ गए हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर विंड जो है हवा बहुत ही तेज़ चलती है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ से ड्रोन उड़ाया, जैसे ही मैंने ड्रोन को नीचे की तरफ पहली बार भेजा तो जो ड्रोन था वो इतना अनस्टेबल था कि क्या ही बताऊँ, ड्रोन जैसे जो कांपता है ना वही वाला मोमेंट था ड्रोन के लिए। ड्रोन ऐसे ऐसे करके कांप रहा था धीरे धीरे, बट स्टिल मैंने वो जो रिस्क था वो लिया और ड्रोन को काफ़ी दूर भेजा, जो कि काफ़ी अलग लेवल का एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और स्टिल जो शॉट था वो जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि जो रिस्क है वो बनता था रिस्क लेना, आई मीन इट वॉज़ अमेजिंग। और जो चैलेंजिंग बात ये है वहाँ की, कि जो वैली की विंड होती है वो हमेशा ही चैलेंजिंग होती है, वहाँ पर ड्रोन उड़ाना सही बताऊँ तो काफ़ी रिस्की काम है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें मैंने ड्रोन को काफ़ी दूर तक ऐसा लग रहा था मानो बादलों के बीच में उड़ा दिया हो, तो ये वाला मोमेंट भी ऐसी था काफ़ी एक्सट्रीम। इसमें तो मेरे को ड्रोन भी दिखाई नहीं दे रहा था और एक टाइम पे तो स्क्रीन पे ऐसा लग रहा था कि धुंधी धुंध आ गई होगी, तो मेरे को पता भी नहीं था। तो इस मोमेंट पर मैंने जो ड्रोन था उसको फिर स्पोर्ट्स मोड पर डाला, थोड़ा आगे भेजा, क्योंकि मुझे पता था ड्रोन काफ़ी हाइट पर है। और ये वाला जो मोमेंट था ना वो भी काफ़ी एक्सट्रीम था सही बताऊँ तो। अगली जो वीडियो आप देख रहे हैं वो है क्लाउड इन्वर्जन की, जब मैंने अगली बार क्लाउड इन्वर्जन नोटिस किया विटनेस किया। और जब मैंने क्लाउड इन्वर्जन को दूसरी बार मतलब इतने गौर से देखा था ना, तब मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ, वो मोमेंट मेरे को ऐसा लगा जैसे मानो जो बादलों की जो नदी है ना वो इतनी ज़्यादा बन चुकी है, वो इतनी ज़्यादा वाइड हो चुकी है कि मतलब वो ऐसे पहाड़ों के ऊपर से आ रही है ऐसे धीरे धीरे करके। और ऐसा लग रहा था ना कि ऐसा फील हो रहा था कि मानो बादलों का जैसे समुद्र जो है ना ओशन वैसा क्रिएट हो चुका हो। ये जो मोमेंट था ना काफ़ी अलग लेवल वाला था सही बताऊँ तो। कई बार मैंने सोशल मीडिया पे ऐसी फ़ोटोज़ देखी थी जिनमें माउंटेन के ऊपर से जो क्लाउड है ऐसा लगता था उनकी नदियाँ बह रही हो, तो मेरी बकेट लिस्ट में ये शॉट काफ़ी टाइम से था। तो एक दिन मैंने नोटिस किया कि नौकुचियाताल में सेम ऐसा ही मोमेंट रिपीट हुआ, जबकि पहाड़ों के ऊपर से बादल बह रहे थे ऐसा वाला मोमेंट था। तो ये जो शॉट था वो भी मेरी बकेट लिस्ट में था और मैंने सीधे ये मोमेंट रिकॉर्ड किया, जो कि काफ़ी अमेजिंग था पर्सनली मेरे लिए तो काफ़ी अमेजिंग। ये वो शब्द था जो मेरे मुंह से निकला उस टाइम पे जब मैंने शॉट लिया, डैम। तो हुआ क्या था कि मैं मोड़ पे खड़ा था और मैंने देखा कि वापस से क्लाउड इन्वर्जन हो रखा है, और ऐसा लग रहा था मानो जो नदी है बादलों की उस बार वो तो मेरे एकदम पैरों तक आ चुकी हो। तो मैंने सीधे ड्रोन को धुंध में भेजा नीचे, जबकि मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा था प्रॉपर कि धुंध में नीचे है क्या, बट स्टिल मैंने भेजा। और जैसे ही मैंने ड्रोन को जूम आउट करते हुए ये शॉट लिया तो ऐसा लग रहा था कि मानो तुम स्वर्ग में आ गया हूँ मैं, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा था यहाँ पे। और ये जो शॉट था ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट शॉट है सही बताऊँ तो, तभी मैंने इसको कंपाइलेशन में डाला। ये भी जस्ट लुक एट द शॉट, आई मीन क्या अमेजिंग फीलिंग आती है इसको देख के, एक पॉजिटिव वाइब सही बताऊँ तो।
भीमताल में ड्रोन उड़ाना काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनकी मेंटेलिटी काफ़ी सही नहीं है, क्योंकि वो लोग ड्रोन उड़ाने पे शिकायत कर देते हैं पुलिस से। तो ये वाला शॉट लेने के लिए मैं काफ़ी दूर गया था डुंगसिल की तरफ, जो एक गांव है भीमताल से थोड़ी डिस्टेंस पे। तो इस वाले शॉट को लेने के लिए सही बताऊँ तो मैंने रेनी वेदर में ये शॉट लिया था, और डर भी लग रहा था कि क्या होगा क्या होगा, बट ये भी था मन में कि ये शॉट जो है काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये जो इसका आउटपुट था, ये रिज़ल्ट था, जैसे ही ड्रोन को जूम आउट करते हुए मैंने पीछे लिया और भीमताल रिवील होता है, आई मीन इट इज़ अमेजिंग। एरियल वीडियोस का ये जो कंपाइलेशन था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड या दिस वाज द थिंग। तो अभी सीन ऐसा है कि यार कोविड के कारण मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, तो अभी ट्रैवल वीडियोस मेरी नहीं आ रही है, ये रीज़न है। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मेरी ट्रैवल वीडियोज़ आएँ जैसे ये कोविड वाला सीन ओवर हो, लॉकडाउन ख़त्म हो। और तब तक के लिए आप लोग जो मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस हैं आप लोगों ने अगर नहीं देखी हैं तो वो देखते रहिए, और जो आप लोगों का लव एंड सपोर्ट है उसके लिए थैंक यू सो मच, ऐसी सपोर्ट करते रहिए। तो आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो अच्छी वीडियोस ज़रूर आएंगी चैनल पे, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है। एंड या सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।